नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स जो हैं ये स्पेस क्राफ्ट्स हैं, यानी स्पेस में सफ़र कर रहे होते हैं। और ये क्या होते हैं, ये रिवॉल्व कर रहे होते हैं अर्थ के गिर्द। हमने इस जो है पहले भी शायद इस बारे में बात की है कि सैटेलाइट्स जो हैं ये कोई भी ऐसी चीज़ जो कि अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रही होती है उसको हम सैटेलाइट का नाम देते हैं। जैसे कि हमने बात की थी कि मून भी जो है वो एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, सॉरी नेचुरल सैटेलाइट है, क्योंकि वो नेचुरली तरीके से अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करता है। तो बहुत ज़्यादा जो स्पेस क्राफ्ट हमने खुद भेजे हैं जो कि अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं, उनको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट का नाम देते हैं। उसके बाद एक जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स का क्या मुराद है कि अर्थ के गिर्द एक सैटेलाइट एक ऑर्बिट में यहाँ पे इसके गिर्द यूँ रोटेट कर रहा होता है, ये अपना ये वाला ऑर्बिट नहीं छोड़ता, ये इसका एक ऑर्बिट है, फिर दूसरा वाला जो है वो इस ऑर्बिट में, यानी कि एक ही मदार में, वो इधर से इधर नहीं होगा, इधर से उधर नहीं होगा, हाँ बस इस तरह से रोटेट करता जाएगा। तो ये इसको हम कहते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स, यानी कि जो अपने उसके गिर्द मूव कर रहे होते हैं। दूसरी बात ये है कि असल में जब हम उसको देखते हैं ना, तो अर्थ जो है ये गोल घूमने के साथ साथ अपने एक्सिस के गिर्द यूँ भी घूम रहा होता है, ठीक है, अपने एक्सिस पे भी ये घूम रहा होता है और रोटेट भी कर रहा होता है। और उसकी इस रोटेशन की वजह से कि ये यूं मूव कर रहा है, तो वो सैटेलाइट ऐसा दिखाई देता है कि वो सैटेलाइट मूव ही नहीं कर रहा, वो सैटेलाइट अपनी जगह पे फिक्स है लेकिन वो मूव कर रहा होता है, लेकिन अर्थ की ये दोनों दो अलग अलग रोटेशन की वजह से ऐसा नजर नहीं आता कि वो रोटेट कर रहा है, ऐसा लगता है कि वो अपनी जगह पे खड़ा है और अर्थ जो है वो ही घूम रही है। तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, जियो स्टेशनरी जो है सैटेलाइट है वो भी कहते हैं, और जिस ऑर्बिट में वो रोटेट कर रहे हैं तो उसको हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। अब जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं या दूसरे सैटेलाइट्स हैं, इसके बारे में हम देखते हैं हमें क्या क्या यूजेस दे रहे हैं। एक तो देखें टीवी डिस्प्लेस, सबसे बड़ा यूजेस की बात कर लें, टीवी डिस्प्ले। आज हम क्या करते हैं, हमें पता होता है पूरी दुनिया में हम लाइव शोज देखते हैं, ओलंपिक्स के मैच देखते हैं, क्रिकेट मैच देखते हैं, हम हज देख लेते हैं, हम जो सऊदीया में हो रहा होता है हमें यहाँ पे हम घर बैठे उसको जो है वो लाइव देख रहे होते हैं, किसी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू देख रहे होते हैं बैठ के, ये जस्ट बिकॉज ऑफ द आर्टिफिशियल इसी सैटेलाइट्स की जो है वो वजह से है। फिर इसके अलावा जो है हम क्या करते हैं, आजकल हमारा जो कम्युनिकेशन का पर्पज़ है, हम पूरी दुनिया में किसी भी जगह पे किसी से भी और किसी टाइम भी जो है वो से रबते में हो सकते हैं, चाहे वो वीडियो कॉल हो, चाहे ऑडियो कॉल हो, चाहे पिक्चर्स हो, हम कुछ भी सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है वो देख भी सकते हैं। तो ये भी जस्ट बिकॉज ऑफ द सैटेलाइट्स की वजह से। इसके बाद इलेक्ट्रिकल पावर फॉर सैटेलाइट, सैटेलाइट्स की जो पावर है इलेक्ट्रिकल, जो उनको पावर मिलती है ये रोटेट करने के लिए, काम करने के लिए, वो कहाँ से मिलती है इलेक्ट्रिकल पावर जो सैटेलाइट्स की है, ये उसको दी जाती है सोलर पैनल्स के थ्रू, ठीक है। एक तो इसको एनर्जी कहाँ से मिलती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, एक तो इसको मिलती है सोलर पैनल्स के थ्रू यहाँ पे, जो कि उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके उस सैटेलाइट को एनर्जी दे रहा होता है। दूसरी चीज़ है यहाँ पे कि इनके पास जो है वो अपने न्यूक्लियर रिएक्टर भी मौजूद है, छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो हमने उसके अंदर लगाए होते हैं, और वहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे हो तो उससे निकलने वाली जो एनर्जी होती है फिर उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो इस तरह से जो है ये वहाँ पे मुसलसल जो है वो अपना काम कर रहे होते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सैटेलाइट्स, ठीक है। सैटेलाइट्स क्या थे, हमने देखा कि स्पेस क्राफ्ट है जो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करते हैं, एनी थिंग दैट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड अ सैटेलाइट, उसको हम सैटेलाइट ही कहते हैं। यूजेज इसके क्या है कि टीवी डिस्प्लेस में आप जो कुछ भी देख रहे हैं आजकल वो जस्ट बिकॉज ऑफ दीज सैटेलाइट्स की वजह से है कि आपको पूरी दुनिया में हर चीज़ के होने की खबर जो है वो मिल रही होती है। इसके बाद जो है कम्युनिकेशन जो आप कर रहे होते हो वो भी जस्ट बिकॉज ऑफ द इसकी वजह से। फिर उसके बाद है कि इनकी पावर के लिए क्या किया जाता है, तो इनकी पावर के लिए दो चीज़ें की जाती हैं, एक तो सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं वहाँ पे, वो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, दूसरी चीज़ ये कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगे हुए हैं और वो इससे निकलने वाली हीट को जो है वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके बाद हम अपना थर्ड एंड लास्ट टॉपिक इस वीडियो का देखते हैं, दैट इज़ द रडार। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें, ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।